नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क का, नेटवर्क का मतलब क्या है? न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ओवर रिलेशन रिलेशनशिप एंड नॉलेज। न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ओवर रिलेशनशिप एंड नॉलेज। ये बातों से एक बात पता चलता है, नेटवर्क बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क में ग्रो करने के लिए एक तो नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप, सबके साथ सबका एक अच्छा रिलेशनशिप, वो सीनियर हो या वो जूनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक गुड रिलेशनशिप होल्डर जो है उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि जिनका रिलेशन बनाने का आदत है वो बाहर में भी बनाएगा, घर में भी बनाएगा, कहीं पर भी अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा, वो उनका जूनियर एसोसिएट है उनका सीनियर एसोसिएट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ में नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको हमारा टीम क्यों नहीं उठता है, हम SPL 8 क्यों क्वालिफाई नहीं किया, SPL 8 क्यों क्वालिफाई नहीं किया, हम PBPL 2 क्यों क्वालिफाई नहीं किया, हम PBPL 1 क्यों क्वालिफाई नहीं किया, ये सवाल अगर खुद को पूछोगे तो जवाब भी आपके खुद के अंदर से आना चाहिए। SPL 8 को क्वालिफाई करने के लिए आपको जितना काम करना चाहिए था आपने उतना काम नहीं किया। SPL 8 क्या था? SPL 8 सिंपल था, 3 स्टेप 4 स्टेप 6 स्टेप 10 स्टेप, ये सुन लो, मैक्सिमम लोगों के लिए इस रन में बैठा हुआ 3 या 4 या 6 स्टेप तक था, 10 स्टेप मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं था। अब इन 3 स्टेप अगर आपको अचीव करना था SPL 8 में, तो 3 स्टेप अचीव करने के लिए 3×27 का आपको टीम चाहिए, किसी का अगर आज के डेट में टीम 0 है, कोई नया ज्वाइनिंग किया तो उसको 27 जन का टीम चाहिए। SPL 8 के लिए 9 हफ्ता समय था, ये सुन लो, 9 हफ्ते में किसी का 0 तो उसको 27 का टीम बनाना है, 9 हफ्ते में अगर 27 का टीम बनाना है तो हफ्ते में 3 जन का 300 मैच का बिलिंग कराना है, ये सुन लो। SPL 8 आने के बाद शुरुआत का 1 हफ्ता ओ SPL 8 है खुशी से सो गया, SPL 8 है खुशी से सो गया, दूसरा हफ्ता करेंगे तो और है ना, और 7 हफ्ता 8 हफ्ता करेंगे तो, तीसरा हफ्ता हाँ अभी शुरू करते धीरे धीरे करके STP करना शुरू किया, हफ्ते भर में कितना STP हुआ? 1-2 हफ्ते भर में 1 या 2 STP। भाई साहब आप क्यों 2 STP किया? नहीं भैया ना मेरा घर में काम था, मेरा घर का बाजार करना था, मेरा घर का गैस सिलेंडर लाना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाना था, घर का पूजा करना है, घर का पाठ करना है, घर का साफ सफाई करना है, घर का सब्जी बाजार करना है, पिताजी ने भेज दिया था बैंक में, मम्मी ने भेज दिया बाजार में, भाई साहब आप क्यों नहीं करे, आपका तो घर में टेंशन नहीं? नहीं मेरा ना थोड़ा तबीयत खराब था, मेरा ना ये तकलीफ था, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, ठीक तरीके से शनिवार रविवार बंद है, क्या करूं? एक्चुअली तुम क्यों नहीं करे, नहीं मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। क्या पर्सनल प्रॉब्लम? आइदर पबजी, नहीं तो टिकटॉक, नहीं तो व्हाट्सएप, नहीं तो गर्लफ्रेंड, नहीं तो इस पे बिजी, सक्सेस भी पाना है और सब कुछ करना भी है। सचिन तेंदुलकर को जाकर पूछो तो उसका घर का बाजार कौन करता है, सौरभ गांगुली को जाकर पूछो तो उसका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन जमा देता है, छोड़ दो ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को जाकर पूछ लो उसका घर का काम कौन करता है। इसको भी छोड़ दो, बैंक में जो नौकरी करती है एक लेडी हाउस वाइफ, उसका घर का काम कौन करता है, सुनो। इसको भी छोड़ दो, बैंक में नौकरी करती है अच्छा खासा सैलरी आता है, बहुत सारे हाउस वाइफ होते हैं घर में इनकम का बहुत जरूरत है, जो लोग दुकान में काम करते हैं, कोई मोबाइल स्टोर में काम करते हैं, कोई गारमेंट स्टोर में काम करते हैं, ऐसे होते कि नहीं होते हैं? Yes. उनका घर का खाना कौन बनाता है, उनका घर का पूजा पाठ कौन करता है, उनका घर का काम कौन करता है, उनको तो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 7,000, 8,000, 5,000, 10,000 इसी टाइप का होता है, ये सब उनका घर का काम कौन करता है, क्योंकि उनका घर का काम करता है उनका सोच। कैसे सोच? जैसे मैं सोचता था,
उस दिन किसी के साथ में शेयर कर रहा था, मैं घर का एक छोटा लड़का हूँ, मैं घर का एक लौता लड़का हूँ, तो मेरा घर का कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। शुरुआत में आज नहीं, गैस का सिलेंडर लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, टेलीफोन का बिल जमा करना और मार्केट करना, ये काम मेरा घर का था, मेरा था। और शाम को गाय लाना, हमारे घर में गाय हुआ करता था, तो पिताजी नौकरी करते थे तो हम लोग का बचपन से घर में गाय था, दूध हम लोग घर का खाते थे बचपन से। तो पिताजी सुबह गाय को एक जगह में, हम लोग का बुआ का घर था उसमें बहुत ज़्यादा घास था, उसमें बांध के छोड़ के चले जाते थे, शाम को वो गाय को घर में ला के घुसाना ही मेरा जिम्मेदारी था। अभी मैं ये सारा काम को शुरुआत इस बिजनेस का, स्मार्ट गुरु का बिजनेस का शुरुआत से मैं सारा काम को बाईपास करना शुरू कर दिया। बाईपास बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग बाहर से मैंने सोर्सिंग करना शुरू कर दिया। कैसे? मेरे घर का बाजू बाजू वाला घर में एक लड़का है जो एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता है और मुझे उसका वीक पॉइंट बहुत अच्छा से पता है। उसका वीक पॉइंट है वो चिप्स खाएगा, चॉकलेट खाएगा, पानी पूरी खाएगा, उसके लिए उसको पैसे चाहिए, उसके पिताजी पैसे नहीं देते हैं, मैं उसको पैसा देता हूँ, पकड़ में नहीं देता हूँ। एक काम कर देगा, उसका नाम था जीतू, जीतू एक काम कर देगा, तो गैस का सिलेंडर सर ला के दे देगा, मैं तुझे 30 रुपये दूंगा। तो वो मेरे घर का गैस सिलेंडर ला के दे देता था। अभी गैस सिलेंडर लाने मुझे जाना है, उस समय में आज तो बुकिंग होता, घर में डिलीवरी दे देते, उस समय में तो डिलीवरी नहीं था, घर जाके लाना पड़ता था। और मेरा घर से गैस सिलेंडर लाने के लिए तो 2-2.5 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था, तो साइकिल में बीच में बिठा के, उस समय तो बाइक भी नहीं था भाई साहब, साइकिल का बीच में बिठा के तो चला भी नहीं सकता, तो पैदल 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 साइकिल ले लेके गैस का गोडाउन तक जाना है, सुबह 6 बजे लाइन लगाना है, 9 बजे काउंटर खोलेगा बुक का, उसमें क्या क्या वो जो रिसीट बना के देगा, फिर गोडाउन के सामने जाकर लाइन लगाना पड़ेगा सिलेंडर लेने के लिए, खाली सिलेंडर देगा, भरा हुआ सिलेंडर लाएगा, साइकिल में घुसाएगा, फिर पैदल पैदल घर में आएगा। सुबह 6 बजे से 10:30-11 बजे तक मुझे घर में आके पहुंचने के लिए समय लगता है। मैं उस समय देखा, मेरा एसटीपी है, फीडबैक है, बहुत सारा काम रहता है, मैं ये सब काम में अगर प्रायोरिटी दूंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, मेरा ये नुकसान होगा कि मेरा एसटीपी नुकसान होगा, फीडबैक नुकसान होगा। 30 रुपए के बदले में मैं महीने में ये काम करवा लेता था, मैं अगर 4 एसटीपी करूंगा, 2 DD उठाएगा, 1000 रुपए इनकम है, 30 रुपए चला जाएगा, फिर भी 970 रुपए मेरा प्रॉफिट है। ये सब आउटसोर्सिंग नहीं, मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, तो फिर से जीतू, जीतू 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके फटाफट जाएगा, साइकिल मार के जाएगा, 10 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा देगा और आएगा मुझसे 10 रुपए ले जाएगा। मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटे इन सब चक्कर में, तुम लोगों से काम करवाता है, घर का काम खुद नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर घर का काम करता रहूंगा तो घर में ही फंसा रह जाऊंगा, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं आएगा। तो जिसके लिए सबसे पहले कि मुझे आउटसोर्सिंग करना पड़ा। तो आप क्यों नहीं एसपीएल क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि सुबह से शाम तक ऑफिस में आके चेयर गरम करके चला गया, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एसटीपी कितना हुआ, कुछ नहीं है सर, मेरा ना लिस्ट नहीं है, किसने कहा लिस्ट नहीं है, पार्थो चक्रवर्ती का भी लिस्ट नहीं था, उन्होंने भी बिजनेस खड़ा किया स्ट्रेंजर मीटिंग से। बिजनेस करने का सोच होगा ना तो कहीं से भी बिजनेस निकालेंगे, ये सुनो, कहीं से भी बिजनेस निकालेंगे सर, हमारा ना लिस्ट नहीं, हम किसको इनवाइट करें भाई, रास्ते में चलते चलते बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, यहाँ से किसी को इनवाइट कर दो, आपका बिजनेस अगर करना है तो कहीं से हो सकता है, ये सुनो, ये सुनो, बिजनेस करने का सोच है तो कहीं से भी हो सकता है बिजनेस करने का सोच। हमारा मोरन में एक लड़का है अजय ढाटवार, उसका बिजनेस कैसे हो गया, वो एक दिन कैंप में गया था, किसी के साथ बात हुआ, उस लेडी को एसटीपी दिखा के ज्वाइन कर गया, बिजनेस निकल गया। नाजिरा का बिजनेस कैसे उठ गया, एक दिन एक फीडबैक के लिए जा रहा था वहां पे, तो एक लड़के को एड्रेस पूछा, भाई इधर का एड्रेस, वहां पे जो घर का एड्रेस है गली किधर जाता है, तो उन्होंने बोला भैया ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, अच्छा काम करेगा, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा तुम्हारा नंबर दे देगा, अगर कहीं पे कुछ फंस गया तो मैं तुमको कॉल कर लूंगा, तुम बता देगा, नंबर ले लिया, उसके साथ नंबर आ गया तो व्हाट्सएप आ गया, तो चैटिंग करना शुरू हो गया, तो बात करना शुरू हो गया, तो एसटीपी देखा, तो फीडबैक करके डीडी उठ गया, आज वो नजीरा में बिजनेस कर रहे हैं। आज विश्वजीत दास बोलते एक लड़का, उसका नाजिरा में बिजनेस कैसे उठ गया, वो ऑफिस के बाहर में बैठा था चेयर लेके, बाजू वाला घर में एक लड़का आया, उनका घर में इनवाइट खाने, वो भी घर का भांजा, खाने के लिए आया दोपहर में मामा के घर में, खा पी के जब जा रहा था, बोला भाई जी तुम्हें याद है इसी ना कि, बोला भाई, बोले तुम मामा घर बा की पढ़िया सर, कथा बातें बातें खत्म दे, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज हो गया और फिर एसटीपी देखा फीडबैक करके ज्वाइनिंग हो गया, इसका नाम है आसिम तालुकदार। बिजनेस
बिजनेस निकल गया। क्या फर्क पड़ता है आज मेरा बिजनेस, आज मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है? अगर सोच होगा तो कहीं से भी कॉन्टेक्ट निकाल कर बिजनेस खरा ना निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीन डीडी चाहिए था हफ्ते में, आपने कैलकुलेशन नहीं लगाया, आपने प्लान नहीं किया। तीन डीडी के लिए आपको मिनिमम 10 लोगों को एसटीपी दिखाना था, आपने दिखाया एक या दो को, तो कैसे आएगा आपका एसपीएल, कैसे आएगा आपका सक्सेस? पीपीपीएल 2 जैसा इतना आसान ऑफर, 400 माइल्स 500 माइल्स 600 माइल्स का ज्वाइनिंग में आपको, और ये भी कर दिया कि किसी एक का 100 माइल्स नहीं चाहिए, चार का 50-50 होकर 200 होगा तो भी आप ये ऑफर क्वालिफाई करेंगे, छह का 50-50 करके 300 होगा तो भी ऑफर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग करने के लिए ना उतना आतुर नहीं थे, भूखे नहीं थे। हिरन जैसे भागता है, खरगोश जैसे भागता है, हम ऐसे भागे नहीं जान बचाने के लिए, हम भागे काम करने के लिए, दिखावा के लिए, सीनियर को। सो दोस्तों अभी सपोर्ट टीम ला रहा है, अभी ट्रेनिंग खत्म करके अपना व्हाट्सएप खोलोगे तो देखोगे सपोर्ट टीम ला रहा है पीबीपीएल 3। और सपोर्ट टीम ये 3 में क्या होगा पहले से अनाउंसमेंट कर चुका है, जैसलमेर ट्रिप टू जैसलमेर राजस्थान से, तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे एक आध दिन में। आज ऑलरेडी वीडियो आ गया, कमिंग सून, आप लोग अभी ऐसे निकल के अपना व्हाट्सएप ऑन करोगे दिख जाएगा आपको, ग्रुप में ऑलरेडी दे चुके हम लोग, दे चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं। अभी पीवीपीएल 3 आएगा, जो भी आएगा शुरुआत का दिन से सही तरीके से हम लोगों को प्लानिंग चॉकआउट करके काम करना है, एसटीपी करना है, इनवाइट करना है, एसटीपी करना है, फीडबैक करना है, डीडी उठाना है। अभी बोलोगे मैंने तो 2 एसटीपी दिखाया था, मेरा डीडी नहीं उठा। किसने कहा 2 एसटीपी दिखाने से डीडी उठ जाएगा? हमने कभी बोला था ऐसा? कैलकुलेशन नहीं, आप मिनिमम 10 एसटीपी दिखाओ, 12 एसटीपी दिखाओ, उनमें से कोई 2 आएगा, 2 आएगा 200 का एसटीपी, या सबका बिजनेस निकल जाएगा। लेकिन 10 तक का काउंटिंग आपको खत्म करना है, पहुंचना है वहां, एसटीपी दिखाना है। अभी बहुत सारे लोग है वो एसटीपी दिखाना दिखा देते हैं, फीडबैक नहीं करते। प्रोस्पेक्ट का घर कहां पे है पता नहीं है, प्रोस्पेक्ट का पिताजी का नाम क्या पता नहीं है, कैसे मिला फेसबुक से मिला, ना घर का पता ना किसी का पता, और उसको इनवाइट करके एसटीपी दिखा दिया, फीडबैक नहीं किया तो डीडी नहीं होता। तो आप उसको काउंटिंग में डाल दो, नहीं प्रॉपर घर का पता निकाल के एसटीपी करो तो काउंटिंग में डाल सकते सही तरीके से। अभी अरे पीवीपीएल 3 उसको हिट करना है, नवंबर का क्लोजिंग आ रहा है उसको हिट करना है, तो उसको इन सब चीजों को अगर हिट करना है तो टारगेट लेकर काम भी करना पड़ेगा। तो दिस इज न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी, ये एक नया तरीका है, नेटवर्क एक नया तरीका है इनकम करने का। तो इस नया तरीके को थोड़ा सा समझने के लिए, सीखने के लिए आपको समय लगेगा, तकलीफ होगा, गिरेंगे, फिर आपको उठ के चलना पड़ेगा। सीखो धीरे 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 करके, गिरते गिरते एक इंसान सीखता है, ये सब एक इंसान गिरते गिरते ही सीखता है। तो जितना बार कोशिश करोगे, जितना बार गिरोगे, उतना ही सीखोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। सो दैट्स व्हाई मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आज ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए खुद को चेस करना। और जो लोग लॉकडाउन में बहुत दिन घर में बैठ बैठ के सर गया, और थोड़ा घूमने जाना है भाई साहब, और नहीं लॉकडाउन, और कोरोना नहीं, कहा कोरोना भाग गया, कोरोना पूजा आ रहा है, दुर्गा मैया को देख के कोरोना भी कम होने शुरू कर दिया, जहाँ पे आसाम में 4,000, 3,500, 3,500 कोरोना पेशेंट निकलता था, अभी 700, 1200, कल निकला देखा कितना 1100, कितना परसों का 756 कम होने लग गया। यस और नो? अभी आप बोलोगे कोरोना कम होने लग गया, क्यों कम होने लग गया? उसके पीछे भी कारण है, लोगों का इम्यूनिटी हार्ड इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो गया। अभी कोरोना तो सबसे पहले चाइना से आया, तो चाइना तो पूरा खुल गया, कोरोना के लिए सबसे ज्यादा पीड़ित कोई देश था तो इसका नाम था इटाली। यस और नो? यस। इटाली में सब खुल गया, इवन स्कूल, बच्चों का स्कूल भी खुल गया इटाली में, क्योंकि आपने इतना कोरोना से बचने के लिए इतना हैवी खाना खाया, अंडे खाए, प्रोटीन खाए, मल्टीविटामिन्स खाए, विटामिन सी खाए, तो आपका जो इम्यूनिटी है ना उसको कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, मजबूत इम्यूनिटी, स्ट्रांग इम्यूनिटी बन गया। अभी कोरोना का वायरस आपने घुस भी रहा है ना, तो एक आध दिन बुखार होकर फिर निकल जा रहा है, तकलीफ नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी हार्ड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। इम्यूनिटी हार्ड हो गया क्योंकि आप इतने कोरोना के डर के वजह से या कुछ भी वजह से इतना कुछ किया, इम्यूनिटी हार्ड हो गया, वायरस ऑटोमेटिकली ये वैनिश हो रहा है। तो जो भी है, ट्रिप होगा ऑलमोस्ट ठंडे के सीजन, अभी तो ऑलमोस्ट अक्टूबर चल रहा है, तो ट्रिप तो चलेगा नवंबर दिसंबर तक, ऑफर चलेगा नवंबर तक मिनिमम, तो अगर 4-5 हफ्ते का तो होगा ही, गारंटेड है।
तो 4-5 हफ्ते का नवंबर तक ट्रिप चलेगा, नवंबर खत्म होगा तो दिसंबर छोड़ के जनवरी में ट्रिप घूमने जाएंगे। तो देखते हैं कि जैसलमेर कैसा आता है, पहाड़ देख लिया, समुद्र देख लिया, फिर डेजर्ट भी देख लिया, ये सब। यस तो जो भी, तो आज सीखते हैं हम लोग इन्विटेशन कैसे करना है। अभी मेन मुद्दे में आते हैं, फोर बेसिक का मेन